हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, एक दिन की बारिश के बाद ये फूलों का साइज़ देखिए एकदम से कितना बड़ा हो गया। नहीं तो बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स आ रहे थे, बट बहुत छोटा साइज़ था। और देखिए कितने सारे एक साथ खिले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस थे कि अभी रोज़ प्लांट, क्योंकि समर में काफ़ी सारे लोगों के जो गुलाब के पौधे थे वो ख़राब हो गए हैं, तो उन पर अभी बारिश स्टार्ट हुई है तो क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं ख़राब तो टचवुड नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, फ्लावरिंग का जो फूलों का साइज़ है वो छोटा हो गया था और देसी गुलाब खिल रहा है। हाइब्रिड का देखिए साइज़ कितना छोटा है, ये साइज़ आ रहा है अभी हाइब्रिड का। एक देखिए ये है हाइब्रिड और एक ये है हाइब्रिड, जिसमें से अभी कली निकल रही है। तो इन पर अभी क्या है, क्योंकि अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, तो ये पार्शल डोरमेंसी में चले जाते हैं गुलाब के पौधे, तो कुछ कर नहीं पाई थी मैं। लेकिन अब क्या करना है, कुछ खास टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मेरा जो भी 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ गुलाब के बारे में, बट जितना जानती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, गुलाब के पौधे को बारिश बहुत पसंद है। मतलब बारिश जैसे ही स्टार्ट होंगी, आप देखेंगे आपके गुलाब के पौधे अगर सही सलामत हैं तो उनमें से जगह जगह से शूट्स, नई नई शूट्स निकलने लग जाएंगी, कलियां बनने लग जाएंगी और पूरा पौधा जो है चारों तरफ से शूट्स निकालेगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है कि बारिश का पानी पसंद है लेकिन जड़ों में पानी रुके, पॉट में पानी रुके वो पसंद नहीं है। क्योंकि अगर पॉट में पानी रुकेगा तो आपका जो पौधा है वो गल के मर सकता है। तो आपने जो सबसे पहला काम करना है बारिश के आते ही, क्योंकि मेरे यहाँ अभी 2 दिन बारिश हो गई है, तो जो काम मैं करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो देखिए, मेरे इस पौधे के अंदर ये पार्सलिन की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त, पोर्चुलिका, पार्सलिन, ये सब पूरे में भर गए हैं। इधर ये ऑक्सलिस ये उगाया है, तो इनको मैं रिमूव करके दूसरे गमले में लगा दूँगी। खाद आपको पता है, देखिए मैं लिक्विड ज़्यादा देती हूँ, रूट फिलिंग कर देती हूँ, तो एक वो कर दूँगी। एंड तीसरी चीज़ जो है, आप अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी शेप में आ गए हैं तो आप उनको प्रून कर सकते हैं। प्रून करने के बाद में एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप एलोवेरा काट कर उसके टिप पर लगा दीजिए, तो जो डाईबैक का प्रॉब्लम होता है वो नहीं आएगा, वो कर लीजिएगा। इन दिनों में देखिए, क्योंकि बारिश कई जगहों पर लगातार होती रहती है, 4-5 दिन भी होती है, धूप बिल्कुल नहीं निकलती है, तो मैं जो चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, फंगस बहुत लोगों के पौधों में आती है और फंगस की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं देखिए फंगीसाइड कोई ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ वो नीम खली या नीम की पत्तियों का पानी ही चलता है। मैं एज ए पेस्टिसाइड कहिए या एज ए फंगीसाइड कहिए, मैं वही यूज़ करती हूँ। अगर आप नेचुरल करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा आता है, वो आप लाके पानी में मिक्स करके पौधों में डाल सकते हैं। बाकी नहीं तो नीम, मेरे यहाँ नीम खली सफिशियंट रहती है, वो काम कर जाती है। एंड दूसरी चीज़, इन दिनों में देखिए क्योंकि बारिश लगातार होती है, तो वैसे तो देखिए पौधे पे कोई कीड़े नहीं रहते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने नोटिस की है, एक तो स्पाइडर माइट्स, छोटी छोटी सी स्पाइडर होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी, जो पत्तों के पीछे जाले बना लेती हैं और पौधे को ख़राब कर देती हैं वो। एक होता है थ्रिप्स का अटैक, छोटे छोटे से कीड़े आते हैं वो सारी पत्तियों को ख़राब कर देते हैं। मतलब नए शूट्स निकलेंगे, वो नए शूट्स पर मैं देखती हूँ अगर कुछ दिखे तो। ये देखिए मैंने हटा दिया अभी, जैसे ये नई ब्रांच निकली थी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसकी टिप बिल्कुल ब्लैक हो गई है। तो जो माइट्स या थ्रिप्स होते हैं वो इसके जो शूट्स निकल रही होती है उसको ख़राब कर देते हैं और पौधा वहीं से, इसके आगे ना तो फूल बनेगा ना ही लीव्स नहीं आएगी। तो ऐसे अगर आपको दिखे तो उसको आपको हटा देना ही उचित है, आप फ़ौरन उसको अपने पौधे पर से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से ना ही तो नई पत्ती निकलेगी ना ही जो कली बनेगी, तो आप इसको हटा दीजिए। एंड तीसरा जो बीमारी आती है वो आती है स्केल की। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, पहले भी मैंने दिखाया था इस प्लांट पे मेरे अक्सर रहती है, वो मैं हटाती रहती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर डालना। देखिए आप इसकी स्टेम पे देख रहे होंगे एक ब्राउन कलर का स्पॉट, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, देख रहे हैं आप, ये देखिए ब्राउन कलर का ये हो गया। ये स्केल का प्रॉब्लम होता है, जो कि जनरली गुलाब पर तो बहुत ज़बरदस्त आता है और गुलाब के पौधे को एकदम ख़त्म कर देता है। आप देखिए ये पूरा स्टेम मेरा इन्फेक्टेड हो गया था, मैंने हटा दिया था, अभी फिर से मुझे दिख रहा है। तो अब मैं सारी ब्रांच को, आपने क्या करना है, एक पुराना टूथब्रश लेना है और टूथब्रश से अच्छे से पूरी स्टेम को क्लीन कर देना है। और जो भी आप नीम ऑयल या जो भी आप ऑर्गेनिक केमिकल, देखिए मत करिएगा, ऑर्गेनिक जो भी आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसको ब्रश में ले लेकर इसकी पूरी स्टेम को क्लीन कर दीजिएगा। और
लगातार आप 2-3 दिन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। पत्तियों पे देख लीजिएगा, कोई भी एक भी डेड लीव दिखे तो आप हटा दीजिएगा। देखिए मेन जो ग्रोथ रुकती है पौधे की, वो इसीलिए रुकती है कि हम उस पर सूखी हुई पत्तियाँ रहने देते हैं, तो आप खराब पत्तियों को फ़ौरन हटा दीजिए। स्केल का प्रॉब्लम आपका तक ख़त्म हो जाएगा। आपका जो भी डाइवैक वाली ऐसी ब्रांचेज हो उनको फ़ौरन रिमूव करिए। अगर बड़ी, जैसे ये तो देखिए बहुत छोटी सी है क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ से कट की थी, लेकिन जब ज़्यादा पूरी स्टेम खराब हो रही होती है तो उसको हटा देना ही उचित होता है, नहीं तो अगर आप नहीं हटाएंगे तो वो पूरे पौधे को ख़त्म करती हुई चले जाएगी। तो मैं जो काम करने वाली हूँ, एक तो मैं इस पर बहुत अच्छे से नीम ऑयल 2-3 दिन स्प्रे करूँगी जिससे कोई भी इस पर स्केल का प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाए। दूसरा करूँगी इसके सारे ये हटा दूँगी, क्योंकि एक बार मुझे, मैंने काफ़ी दिन हो गया इनमें रूट फिलिंग नहीं किया है, तो इसमें रूट फिलिंग कर दूँगी। और तीसरा काम जो करने वाली हूँ वो है, आप अभी तो क्योंकि मैं तो रूट फिलिंग कर दूँगी, अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप कर चुके हैं पहले, तो आपने क्या करना है, कोई भी लिक्विड जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो आप यूज़ करते रहिएगा हर 15 दिन में, तो आपके इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मॉनसून के पूरे सीज़न में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और बड्स आती हैं। और एक और लास्ट चीज़, सारी ये मैं, ये देखिए मल्चिंग के लिए मैंने ये सब यूज़ किया हुआ था, अब मैं ये इसमें से हटा दूंगी, क्योंकि गुलाब थोड़ा सा नखरेला है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रख लेती हूँ। बाकी पौधों में मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन इसमें से ये हटा दूंगी, क्योंकि कई तरह के, जैसे देखिए इसमें आप स्नेल्स देख पा रहे होंगे, स्नेल आने शुरू हो गए हैं पौधे के अंदर छोटे छोटे से, तो इसमें फंगस का थोड़ा सा रहता है। और एक और जो लास्ट चीज़ है, देखिए मेरे ये पॉट सारे बिल्कुल उस पर रखे हुए थे छत के ऊपर, तो अभी इन दिनों में बारिश आंधी और सब कुछ आया है, तो आप देख रहे होंगे पूरे छत के ऊपर मिट्टी और पत्तियां और पता नहीं गंदगी सी है। तो जब जहाँ भी आपके पौधे रखे हुए हों उनको आप तकरीबन 2-3 इंच ऊपर उठा के रखिएगा, नहीं तो जो भी पानी नीचे इकट्ठा होगा वाटर लॉगिंग की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो बारिश में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और एक देखिए ये मिर्ची का पौधा मेरे इसी प्लांट में अपने आप उगाया है, लोगों की मिर्ची के बीज जर्मिनेट नहीं होते, और ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, इसको हटाने का मन नहीं कर रहा है। देखती हूँ उस पर कैसे मिर्ची आती है, एक दो अगर आ गई तो फिर मैं हटा दूंगी। और हाँ, बेस्ट टाइम देखिए, अगर आपको रीपॉट करना है तो अभी मत करिएगा, थोड़ा सा और बारिश शुरू हो जाए उसके बाद करिएगा मिड बारिश में। अगर आपको नया पौधा लगाना है तो बेस्ट टाइम है गुलाब का, कटिंग लगानी है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन रीपॉट अगर करना है, रीपॉट क्योंकि हमें जड़ों को डिस्टर्ब करना होता है, तो जड़ें डिस्टर्ब करने से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कर तो देते हैं और अगले दिन बहुत तेज़ धूप निकल आती है, तो पौधा कई बार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो रिपोर्टिंग का काम थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा। और अगर नए पौधे लगा रहे हैं तो गुलाब के लगा लीजिएगा, बेस्ट सीज़न है कटिंग का और नए पौधे लगाने का। पौधे की कटिंग करनी है, उसको प्रूनिंग करनी है, उसको प्रॉपर शेप देना है, तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए नई बर्ड इसमें बन रही हैं, रेगुलर फूल आ रहे हैं, जैसे मैंने आपके साथ शो किए हैं, दिखाए हैं, देशी गुलाब तो प्रॉपर खिल रहा है। तो ये काम कर लीजिएगा, जितनी मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इन्फॉर्मेशन। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बने रहिएगा इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।